All right people, listen up. आज 9th standard number system का पहला lecture है और इसमें सबसे important या फिर कह सकते हैं पहला topic है exponents and power. 9th standard का जो number system है वो तीन parts में divided है, exponents and power, rational and irrational numbers and operation of irrational numbers, जिसमें हम rationalizing सीखते हैं. और बाकी एक और topic है representation of a irrational number on the number line. तो आज पहला जो topic है वो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है रैशनलाइजिंग के कंसेप्ट को समझने के लिए. ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर. यू माइट हैव स्टडीड दिस चैप्टर इन अर्लियर क्लासेस एज वेल, इन 8th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड एंड 7th स्टैंडर्ड. लेकिन फिर भी इसको थोड़ा एक रिविजन देना बहुत ज़रूरी है, और ये 9th स्टैंडर्ड में इससे एक आधा क्वेश्चन आते भी हैं. तो आइए देखते हैं द वेरी फर्स्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर. अगर मान लो कोई नंबर है x, इसका पावर है n, तो ये x इंटू x इंटू x इंटू x n टाइम्स तक मल्टीप्लाई होता चला जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, अगर 2 टू द पावर आपको 4 कहा गया, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 4 टाइम्स, 2 टू 4, 4 टू 8, 8 टू 16, 16 इज द आंसर. ये पहला रूल होगा. सेकेंड रूल, x टू द पावर n मल्टीप्लाइड x टू द पावर m, अगर दो नंबर्स हैं, दोनों का बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उनके पावर्स हम ऐड कर देते हैं. इट इज़ इक्वल टू x टू द पावर n प्लस m. ये सब बातें आपने सीखी होंगी पहले भी, है ना. लेकिन एक आध बात देख लेते हैं. एग्जाम्पल इसका छोटा सा देखेंगे एक. अगर 2 टू द पावर 4 हो मल्टीप्लाइड 2, या 2 टू द पावर अगर मान लीजिए 2 कर देते हैं, तो बेस दोनों का 2 है, पावर n की जगह 4, m की जगह 2, तो ये 2 टू द पावर 4 प्लस का 2, 2 टू द पावर 6, इट इज़ इक्वल टू 64 अगेन. ठीक है, अभी अगला जो कंसेप्ट है वो, अगर x टू द पावर n है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इसके बदले का डिवीजन हो जाए, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, x टू द पावर n माइनस m हो जाता है. यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, इस चीज को हम कुछ ऐसा भी लिखते हैं, एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर एम, है ना. इट इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन माइनस का एम. तो इस तरीके से भी इस बात को ध्यान, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि बहुत जगह काम आ जाता है ना. ये एक तरीका, एक अब इसका एग्जाम्पल एक ले लीजिए आप. अगर मान लीजिए आपके सामने है 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2, तो ये x की जगह 2 है और n की जगह 4 और m की जगह 2, तो ये हो जाएगा बाई दिस फॉर्मूले 2 टू द पावर 4 माइनस का 2, मतलब 2 टू द पावर 2 इट इज इक्वल टू 4. काफ़ी सिंपल है ये, एट अ ग्लैंस दे रहा हूँ आपको एक छोटा सा, है ना. अब बेटा ये सब चीज़ें तो आपने बहुत बार पढ़ी होंगी, इसके अलावा एक बहुत ही मेजर कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो कि आप जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो ये इक्वल टू 1 होता है. तो इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, बहुत सिंपल है इसका प्रूफ. शायद आपने ये स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि या नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अभी आप इसका प्रूफ देख सकते हैं. अब देखो इसका प्रूफ क्या होता है. आप फॉर एग्जाम्पल 0 को क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 2 लिख सकते हैं, 4 माइनस 4 लिख सकते हैं, 8 माइनस 8 लिख सकते हैं, मतलब सेम क्वांटिटी माइनस सेम क्वांटिटी यू गेट अ 0. तो 0 को हम ऐसा कुछ n माइनस n ही लिख देते हैं. ठीक है, अब आपने 0 को n माइनस n लिखा, तो x टू द पावर 0 कैन बी रिटन एज x टू द पावर n माइनस n. ये n माइनस n ऐसा कुछ हमने पहले कभी देखा है राइट, यहाँ पे. लेकिन यहाँ पे n और m अलग अलग हैं, यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम हैं. तो मैंने आपको बताया कि अगर ऐसा है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं अपन x टू द पावर n डिवाइडेड बाय x टू द पावर n अगेन, इट इज इक्वल टू x टू द पावर n अपॉन x टू द पावर n. अगर दो सेम क्वांटिटीज ऊपर हो तो कैंसिल होकर सीधा इक्वल टू 1 आती है. सो देयरफॉर वी प्रूव दैट x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और इस पर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखिए आप, अगर आपके सामने कोई पूछे 6 टू द पावर x माइनस 2 इक्वल्स 1, इफ 6 टू द पावर x माइनस 2 इक्वल्स 1 फाइंड x.
अब आप साधारण एकदम सिंपल ध्यान देंगे इस पे कि चलिए सर 6 टू द पावर x माइनस 2 तो इधर है इज इक्वल टू 1, 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 6 का पावर 0, एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, सो वी कैन से दैट अगर ये 1, अगर ये 6 का पावर x माइनस 2 है और ये 1 हो गया होगा तो डेफिनेटली ये 6 1 कब हो सकता है जब उसका पावर 0 हो, यानी कि 6 टू द पावर x माइनस 2 इक्वल 6 टू द पावर 0, सो we conclude that bases are same and the both the expressions are equal means the power are also going to be equal. So x minus 2 is equal to 0, so x is equal to 2. Itna explanation ki zarurat nahi hai, lekin aap chote hain thode, beginners hain, to aapko explain kar diya jata hai. Isko ek alternate method se bhi solve kiya jata hai. Hai na? Jaise 6 to the power x minus ka 2 hai, it is equal to 1 hai. Aapne yahan pe dekha agar x to the power n minus m है, तो it is equal to x to the power n upon x to the power m. तो यहाँ पे n की जगह x है और m की जगह 2 है. तो इसको क्या लिख सकते हैं? 6 to the power x upon 6 to the power 2 is equal to 6 is equal to 1. Cross multiply करेंगे तो क्या होगा? 6 to the power x is equal to 6 to the power 2. Bases same, values भी same. इसका मतलब definitely powers भी same रहे होंगे. So therefore x is equal to 2. इस तरीके से भी इस question को approach किया जाता है. उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होंगी. ठीक है, नोट करें ज़रा. तो देखो बच्चों, हमने सीखा अभी ये तीन फॉर्मूलेस. इसके बाद और बहुत सारे फॉर्मूलेस हम लाइन से फॉर्मूलेस यहाँ पे लिखते जाएंगे और यहाँ डिराइव करते चले जाएंगे और आप नोट करते चले जाइएगा. अगला जो फॉर्मूला है वो है एक्स टू द पावर अगर माइनस एन है, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टू द पावर एन. तो हमारा ये जो फॉर्मूला है कि भाई एक्स टू द पावर माइनस एन हो, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टू द पावर एन, ये हम किस तरीके से डिराइव करते हैं? देखो बेटे, आप अगर इसका प्रूफ देखेंगे तो अगर माइनस एन है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 0 माइनस एन. तो देयर फॉर वॉट यू कैन से एक्स टू द पावर माइनस एन कैन बी रिटन एज एक्स टू द पावर 0 माइनस का एन. अब एक्स टू द पावर 0 माइनस का एन है तो इस पैटर्न पे जा सकता है. इसको हमने आपको बताया था पहले, इट वॉज एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर एम, इसको लिख सकते हैं अपन, है ना. तो x टू द पावर 0 अपॉन x टू द पावर n हो जाएगा. एनी थिंग टू द पावर 0 इज व्हाट? 1. और ये x टू द पावर n तो है ही. सो देयरफॉर हमने बात प्रूफ कर दी कि x टू द पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन x टू द पावर n. सो ये बात साबित हो जाती है हमारी. सुंदर बात है, प्यारी बात है. अब इसी का एक एक्सटेंशन पार्ट है बच्चों. मान लो इसको कि भाई अगर a बाई बी है होल टू द पावर n है, सॉरी माइनस n है, तो डायरेक्टली हो जाता है b बाई a होल टू द पावर n. अगर पावर नेगेटिव है, अगर एक फ्रैक्शन है p बाई क्यू फॉर्म पे है और उसका पावर नेगेटिव है तो वो अगर उसके पावर को पॉजिटिव करेंगे तो ये फ्रैक्शन क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल हो जाता है. a बाई बी है तो b बाई a हो जाएगा. ठीक है, ये काफ़ी काम आता है. अब जैसे अब इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम. अगर मान लो 2 टू द पावर माइनस 3 है तो इट इज इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन 2 टू द पावर 3, और 1 अपॉन 2 टू द पावर 3 कितना होता है? 1 अपॉन 8. सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, कोई बड़ी बात नहीं है. तो यहाँ पे एक और फार्मूला हमारे जुड़ गया कि भाई अगर a बाई बी हो होल टू द पावर माइनस एन हो, इट इज इक्वल टू a टू द पावर n अपॉन सॉरी b बाई a होल टू द पावर n. अब आपने एक फ्रैक्शन, जैसे आपने पहला एक प्रॉपर्टी देखा था x टू द पावर n वाज x इनटू x n टाइम्स लग रहे थे, तो वैसे एक और प्रॉपर्टी छोटी सी हमारी है. अगर a बाय b है होल टू द पावर n, इट इज इक्वल टू a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n. अब एग्जांपल आप देख लीजिए एक छोटा सा. अगर 2 या 3 बाय 2 हो होल टू द पावर 4 हो, तो ये 3 टू द पावर 4 हो जाता है 2 टू द पावर 4. 3 टू द पावर 4 इज 81, 2 टू द पावर 4 इज 16, है ना. तो एक और फॉर्मूला हमारा हो गया कि अगर a बाई बी हो होल टू द पावर n हो, इट इज इक्वल टू a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n. द नेक्स्ट कंसेप्ट गोज ओवर हियर. अगर a टू द पावर n हो मल्टीप्लाइड b टू द पावर n हो, यहाँ पे बेसिस अलग है, पावर सेम है और ये मल्टीप्लाइड है, तो ये क्या हो जाएगा? a इंटू बी होल टू द पावर n. इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों. अगर मान लो आपके सामने हो 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड या फिर 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड 3 टू द पावर 2,
पे 2 इंटू 3 होल टू द पावर 2 हो जाएगा। देखो ए की जगह 2 है, बी की जगह 3 है, एन की जगह 2 है, तो 2 इंटू 3 क्या हो गया 6, 6 का स्क्वायर इट इज इक्वल टू 36। क्लियर? अभी इसके बाद एक ये जो मल्टीप्लीकेशन के लिए है बच्चों, ये डिविजन के लिए भी सेम होगा। अभी कहें तो ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर है या फिर सेम ही कह सकते हैं। जैसे आप देखें जरा, अगर a टू द पावर n है डिवाइडेड बाई b टू द पावर n है, तो डिवाइडेड है मतलब अगर आपसे मैं बोलूँ 2 डिवाइडेड बाई 3, इसका मतलब 2 बाई 3 होता है। तो a टू द पावर n डिवाइडेड बाई b टू द पावर n अगर है बच्चों, तो ये क्या होता है a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n, ये फिर से यही चीज़ आ गई है ना। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a बाई b होल टू द पावर n, है ना। तो ये भी एक बहुत ही प्यारी सी कंसेप्ट है। देखो चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है, बस घुमा के बात की जाती है, है ना। तो अगर आपके सामने ऐसा कुछ दिया जाए कंसेप्ट हमारा, कि अगर a टू द पावर n मल्टीप्लाइड b टू द पावर n, तो a इंटू b होल टू द पावर n एक कंसेप्ट, और उसके बाद a टू द पावर n डिवाइडेड बाई b टू द पावर n इट इज इक्वल टू a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n इट इज इक्वल टू a बाई b होल टू द पावर n। ये सारी बातें ध्यान में रहने से थोड़ा चीज़ें आसान हो जाती हैं, है ना। और इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो बहुत बार काम आता है, x टू द पावर n होल टू द पावर अगर m हो तो ये हो जाता है, जगह की कमी हो गई भाई, इट इज इक्वल टू x टू द पावर n मल्टीप्लाइड m होल। इसका एग्जाम्पल्स मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन एक्सपोनेंट इन पावर के इस कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं। अब जैसे आपके सामने आया, अगर मैं बोलूँ 25 का स्क्वायर रूट, सबसे आसान क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे, या फिर कह सकते हैं कि सबसे अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, हम सीधा लिख देते हैं 5। हमारे जहन में बात आती है कि हाँ भाई चलो स्क्वायर रूट है, 5 का स्क्वायर है, आंसर 5 आएगा। लेकिन ये 5 क्यों आ जाता है? बेसिकली देखिए, इसको अगर सॉल्व करें अपन, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ। तो इसका मतलब हुआ 25 का पावर हुआ 1/2। 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। अब ये इसी कंसेप्ट पे आ गया, x टू द पावर n होल टू द पावर m, तो इट इज इक्वल टू 5 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड 1/2। 2 कैंसिल हुआ, 5 टू द पावर 1, 5 इज द आंसर। एकदम सिंपल है, सटीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नोट करें, सो पीपल आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज कंसेप्ट्स विल ट्राई टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स, जिससे थोड़ा कंसेप्ट और डेप्थ होता है हमारा, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 343 टू द पावर -2 क्यूब रूट ऑफ, और ये साथ में यहाँ पे क्यूब रूट है। क्यूब रूट कहने का मतलब होता है पावर 1/3। तो सिंपल आप इसको लिख सकते हैं 343 टू द पावर -2 होल टू द पावर 1/3। अब यहाँ भी देखिए एक कंसेप्ट बिल्डअप होता है बच्चों, यहाँ पे कौन सा, ये वाला फॉर्मूला है x टू द पावर n होल टू द पावर n, x की जगह 343, n की जगह -2, m की जगह 1/3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 343 होल टू द पावर -2 मल्टीप्लाइड 1/3, इट इज इक्वल टू 343 होल टू द पावर -2/3। ठीक है, अब 343 ध्यान में लाइए, 343 बेसिकली 7 का क्यूब होता है, तो 343 की जगह हम 7 का क्यूब लिखेंगे होल टू द पावर -2/3 है। ये वापस इसी फंडे पे आएगा, x टू द पावर n होल m, इट इज इक्वल टू 7 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड -2/3। 3 बजाया, कितना आंसर आया, 7 टू द पावर -2। अब 7 टू द पावर -2 इस कंसेप्ट में x टू द पावर -n इज इक्वल टू 1/x टू द पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 1/7 टू द पावर 2, इट इज इक्वल टू हाउ मच, 1/49। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, है ना, और ये कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए .00032 होल टू द पावर -2, और यहाँ पे फिफ्थ रूट मान लेते हैं, ठीक है।
सबसे पहले तो आपको ये बात समझना चाहिए कि फिफ्थ रूट का मतलब क्या होता है. सॉल्यूशन मतलब पावर 1/5, तो इसको लिखेंगे. अच्छा एक और चीज़, अगर 0.5 इसको क्या लिखते हैं 5/10, अगर 0.25 हो तो इसको 25/100 लिखते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद दो नंबर्स हैं. अगर ऐसा कुछ हो 0.003 तो इसको आप 3 तो एज इट इज़ लिखते हैं डेसिमल हटा करके, और डेसिमल के बाद कितने नंबर्स थे 3 डिजिट्स, तो 1000 लगा देते हैं, है ना. तो इसके साथ भी कुछ वैसा ही करने का है. डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 32/1, 2, 3, 4, 5 होल टू द पावर -2, इन सब का होल पावर 5. ठीक है, अब थोड़ा सा सोचे हम कि जैसे मान लो अगर 10 है तो इसका मतलब 10 का पावर 1 हुआ, अगर 100 है इसका मतलब 10 × 10 हुआ 10 का पावर 2, अगर 1000 है इसका मतलब 10 × 10 × 10 मतलब 10 का क्यूब हुआ. यानी कि बच्चों जितने जीरोज होते हैं 10 का पावर उतना आ जाता है. तो यहाँ पे 5 जीरो हैं तो 10 का पावर 5 होगा. 32 भी किसी का पावर 5 है, 2 to the power 5 is 32. अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें, देखिए अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा 32 ऐसा लें, 2 से डिवाइड करें 16, 2 से डिवाइड करें 8, 2 से डिवाइड करें 4, 2 से डिवाइड करें 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4-5 बार 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा. इसको कहते हैं एक्सपोनेंटियल पावर में कन्वर्ट करना बाय द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन. तो हम इसको लिख देते हैं 2 to the power 5, और ये 10 to the power 5 होल टू द पावर माइनस का 2 × 5 बराबर, ये x to the power n होल m, तो n × m तो अपन कर ही देंगे, और ये 2 to the power 5, 5 to the power 10 to the power 5. अब इसकी बात अगर करें, सॉरी ये 5 नहीं 1/5 होगा, आई एम सो सॉरी, क्यूब रूट था ना, तो सॉरी फिफ्थ रूट था ना, तो पावर 1/5 है ये. अच्छा एक बात और, 2 to the power 5 है, 10 to the power 5 है, कौन से फॉर्मूले पे कुछ यूज हो सकता है, ये वाला a to the power n b to the power n is equal to a by b whole to the power n. ठीक है, तो अगर आप इसको यूज करें तो क्या होगा, 2/10 whole to the power 5 whole to the power -2/5. अब ये वापस उसी फंडे पे आया, x to the power n whole to the power m is equal to x to the power n into m. तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2/10 तो बच्चों हो जाएगा 1 और ये 5, तो 1/5 whole to the power 5 multiplied -2/5. 5-5 बजाया कितना आया 1/5 to the power -2. अब इसको भी कैसे ब्रेक कर सकते हैं बच्चों, देखिए अपने को क्या दिया है, a बाई बी अगर पावर माइनस है, रेसिप्रोकल कर देते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाता है, तो a की जगह 1, b की जगह 5, पावर हो गया माइनस, तो इसको लिख सकते हैं 5/1 whole to the power +2. 5/1 का मतलब 5, 5 स्क्वायर मतलब 25. क्लियर, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, है ना. चलिए नोट करें स्माइल के साथ. तो बच्चों विल सी सम मोर क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 3, एक साथ दो क्वेश्चन लिख दिया, छोटे क्वेश्चन हैं, ईजी हैं, हो जाएंगे. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात आप एलजेब्रा के समझिए, अगर x to the power 3 है प्लस x to the power 2 है तो इन दोनों में से x कॉमन निकल सकता है, लेकिन कितना कॉमन निकलेगा, मिनिमम पावर होगा वही कॉमन निकलेगा. तो जैसे यहाँ पे x to the power 2 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे पावर 3 था तो x to the power 1 बचेगा, यहाँ पे x to the power 2 ही था और आपने x to the power 2 निकाला, मतलब x to the power 0 बचेगा. तो इसका मतलब ये x² x to the power 1 का मतलब x और x to the power 0 का मतलब 1. हमेशा ध्यान रखिए अलजेब्रा में कभी भी कॉमन मिनिमम पावर निकलता है, ये आपने पहले सीखा होगा, लेकिन चूंकि ये वीडियो है आपको सब कुछ समझ में आना चाहिए इसीलिए बता रहा हूँ. उम्मीद करता हूँ ये समझ गया होगा आपको. अगर मान लीजिए 13 होता, ये 10 होता और ये x^9 होता, तो इस बार हम कितना कॉमन निकालते हैं, x^9 निकालते हैं. तो 9 निकाला तो 13 में से 9 निकला, 4 बचा, तो x^4, यहाँ पे x^1 बचता और यहाँ पे x^0 का मतलब 1. तो इस तरीके से हम कॉमन लेते हैं अलजेब्रा में, है ना. ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है. हाँ, ऐसा नहीं है कि आप x^9 ही निकालें, आप चाहे तो इसमें से x^8 भी निकाल सकते हैं. आपका मत हुआ x^8 ही कॉमन निकालना है सर, तो x^8 निकाला तो यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे x^1 मतलब x बचा. इस तरीके से भी कॉमन हो सकता है, लेकिन अगर आपको अगर पूरा कॉमन निकालना है कभी, तो हम जनरली मिनिमम पावर को पूरा का पूरा कॉमन ले लेते हैं. तो सिंपल है, उतना मुश्किल नहीं है.
अभी देखें यहाँ पे 2 to the power 30, 2 to the power 29, 2 to the power 28, तो 2 to the power 28 कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे कॉमन निकला यहाँ पे बचा 2 to the power 2 प्लस यहाँ 2 to the power 1 और यहाँ पे 2 to the power 0। चूंकि हमने यहाँ पे 2 to the power 28 कॉमन निकाला है बच्चों और यहाँ पे 2 to the power 29 कॉमन निकल सकता है, लेकिन अगर 2 to the power 28 निकालेंगे तो बाहर आके इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सिंपल होगा। तो यहाँ भी अपन 2 to the power 28 ही कॉमन निकालते हैं और यहाँ हो जाएगा 2 to the power 3, 2 to the power 2 माइनस 2 to the power 1। ये दोनों बजाया 2 to the power 4, 4 2 to the power 1 is 2 एंड 2 to the power 0 is 1, एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज 1। इसके बाद 2 to the power 3 8, 8 2 to the power 2 is 4, 4 माइनस 2 तो 4 to 6, 6 and 1 7, 8 and 4 12, 12 माइनस 2 10। प्रूफ्ड, बात खत्म। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन की शक्ल देखकर डरना नहीं है, क्वेश्चन काफी सिंपल है, एकदम वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे। 64 आप देखो बेटा, कभी भी ऐसा होना 64 है टू द पावर माइनस 2/3 है, फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ, ये डिनोमिनेटर थर्ड रूट है, राइट, थर्ड रूट है, तो हम कोशिश करेंगे कि 64 को किसी ऐसे नंबर के पावर में लाए जिसका पावर 3 होने पर 64 हो जाता है। तो हमें पता है 4 का पावर 3 होता है, तो माइनस 2/3 और फिर ये 4 का पावर 3 इंटू माइनस 2/3 होगा, 3 कट जाएगा, एक इंटीग्रल एक्सपोनेंट मिल जाएगा इसको। अगर मान लीजिए 64 माइनस 2/3 की जगह बच्चों होता 1/2 होता, तो सिंपल हम 60 कोई ऐसा नंबर चूज करते जिसका पावर 2 होने पे 64 आता है, तो 8 का स्क्वायर इंटू 1/2, 2 कटते, है ना। अब अगर मान लीजिए पावर 1/4 होता, तो हम करते कि भाई कोई ऐसा नंबर है नहीं, 4 तो किसी का नहीं हो सकता, नहीं होगा, अगर 6 होता फॉर एग्जाम्पल, तो कोई ऐसा नंबर है जिसका पावर हम 6 लाएं तो 64 हो जाए, 2 का पावर 6, तो इसको 2 का पावर, मान लो ये 3/6 और 3 नहीं, इसको मान लो 6 के साथ कौन सा डिविजिबल नहीं होता, चलो 5 अपन बोल देते हैं, तो ये 2 का पावर 6 होल टू द पावर 5/6 होता, तो 2 का पावर 6 इंटू 5/6, 6 कैंसिल किया, 2 का पावर 32 हो जाता, ठीक है ना। तो बच्चों इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम अप्रोच करते हैं, है ना। अगर रूट हो तो कभी भी, जैसे यहाँ पे पावर 1/4 है, तो हम ये देखेंगे 256 ऐसा कौन सा नंबर है जिसका पावर 4 करे तो 256 आ जाए, है ना, वो 4 का पावर होगा। 256 बेसिकली क्या होता है, 16 का स्क्वायर होता है, है ना। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले तो ये माइनस है तो इसको पॉजिटिव करेंगे, और पॉजिटिव नहीं करते हैं, चलो पहले 64 है, ये 4 का क्यूब होता है, 125 क्या होता है, 5 का क्यूब होता है, टू द पावर माइनस 2/3 प्लस, थोड़ा ये रेसिप्रोकल में है, इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 256/625 इसका पावर माइनस 1/4। अरे अगर 1/(x^n) होता है तो इसको (x^-n) लिखते हैं ना, तो 1/ इस होल का पावर 1/4 है, तो उसको ऊपर पूरा भेजेंगे तो पावर माइनस 1/4 हो जाएगा। अब रूट 25 आप सबको पता है 5, 64 का क्यूब रूट है, तो 64 to the power 1/3 लिखेंगे, 4 का क्यूब रूट होता है अपने को पता है, बट एक प्रोसेस से जाते हैं ताकि चीज़ें हमको समझ में आए। अभी एक a/a, a^n, b^n, याद है ये फॉर्मूला, a^n, b^n, a/b^n, तो ये क्या हो जाएगा, 4/5 3, और ये होल कितना है, माइनस 2/3 प्लस 256, ये कितने का स्क्वायर, पावर 4 होता है, 4 to the power 4, और ये 625 इज 5 to the power 4, माइनस 1/4 प्लस 5, 64 क्या होता है, 4 का क्यूब होल टू द पावर 1/3, एकदम सिंपल जा रहा है ना। अभी 4/5 है होल टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड माइनस 2/3 प्लस 4 to the power 4/5 होल टू द पावर, ये 4 हो जाएगा और इनटू माइनस 1/4 हो जाएगा प्लस 5, 4 to the power 3 इनटू 1/3, ये बजाया, ये गया, ठीक है। अभी 4/5 2 है, तो इसको 5/4 2 लिख सकते हैं अपन प्लस, ये 4/5 का पावर माइनस 1 है, तो ये 5/4 का पावर
वन होगा और ये भी 5 बाई 4 ही हो जाएगा. इट इज इक्वल टू 5 बाई 4 का स्क्वायर मतलब क्या, 5 का स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर मतलब 25 बाई 16 प्लस ये 5 बाई 4, 5 बाई 4 दो बार 5 बाई 4 मतलब 2 इंटू 5 बाई 4 ये 10 बाई 4 हो जाएगा. ठीक है, अब 16 और 4 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों, 16 और 4 का एलसीएम हो जाता है 16, 16 नीचे तो 25 एज इट इज आएगा प्लस 4 4 जा 16 ऊपर 4 से मल्टीप्लाई होगा 40, 65 बाई 16 इज द आंसर. उम्मीद करता हूँ क्लियर है, सब कुछ समझ में आ गया होगा, नोट करें. ऑलराइट पीपल, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द सेशन. बहुत ही प्यारा प्रश्न है, x टू द पावर a होल b माइनस सी अपॉन x टू द पावर b होल a माइनस सी डिवाइडेड बाय x टू द पावर b बाय x टू द पावर a होल टू द पावर c इज इक्वल टू 1. ये बात हमें प्रूफ करनी है. तो पहले अपन LHS ले लेते हैं, है ना, ये LHS को ही लेकर के जनरली प्रूफ क्या करते हैं. आप RHS भी ले सकते हैं लेकिन 1 को कैसे आप इतना प्रूफ करेंगे, तो LHS ही सॉल्व करते हैं. अब देखिए बच्चों, सबसे अच्छी बात क्या है कि x टू द पावर ए बी सी है तो आसान है क्या, x टू द पावर ए बी माइनस ए सी अपॉन x टू द पावर, ये भी हो जाएगा माइनस बी सी डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर, अगर बी है ए है ये भी तो डिवाइडेड ही है ना, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे आप बच्चों एक्स टू द पावर ए अपॉन एक्स टू द पावर बी का मतलब क्या होगा, एक्स टू द पावर ए माइनस बी, है ना, यही वाला कंसेप्ट, एक्स टू द पावर एन अपॉन एक्स टू द पावर एम इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन माइनस एम. तो यहाँ भी वही चीज़ लगा देंगे अपन, एक्स टू द पावर बी माइनस का ए होल टू द पावर सी. अभी थोड़ा इसको लिखते हैं बच्चों, एक्स टू द पावर ए बी माइनस है तो इसको क्या लिख सकते हैं, अपॉन एक्स टू द पावर ए सी डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ये ए बी होगा, आई एम सो सॉरी, एक्स टू द पावर ए बी अपॉन एक्स टू द पावर बी सी डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ये सी मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी माइनस सी तो क्या हो जाएगा बी सी माइनस का ए सी. ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंपल तरीके से ही करेंगे. मैंने आपको एक बात समझाई थी बहुत पहले कि अगर x, देखिए सिंपल, आपको बार बार कन्फ्यूजन होता है ऐसे क्वेश्चन में, अगर 2 बाई 3 हो अपॉन 4 बाई 5 हो, देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, 2 बाई 3 एज इट इज रखेंगे इन टू 4 बाई 5 है ना, इसको 5 बाई 4 कर दीजिए, सिंपल एकदम आसान है करना. तो अब यहाँ देखिए x टू द पावर ए बी अपॉन x टू द पावर ए सी है और दिस बाय दिस है, तो इसको एज इट इज रखेंगे x टू द पावर ए बी अपॉन x टू द पावर ए सी. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो क्या होगा x टू द पावर बी सी ऊपर आ जाएगा और x टू द पावर ए बी नीचे आ जाएगा. ये डिवाइड है बच्चों, याद है जब डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई का साइन देते हैं तो ये, अच्छा छोड़ो इसको अभी, डिवाइड रहने दो, होल डिवाइडेड बाई, अच्छा बेटा ये भी तो x टू द पावर m माइनस n के फॉर्म पे है तो इसको x टू द पावर n अपॉन x टू द पावर m लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे डिवाइडेड बाय x टू द पावर bc अपॉन x टू द पावर ac, है ना. अब कुछ कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है अपने को, है ना, तो कुछ कैंसिल हो रहा है, तो x टू द पावर ab कैंसिल करो, x टू द पावर ab कैंसिल करो, अभी यहां पे क्या बचा, x टू दी वन हो गया, x टू दी पावर बी सी अपॉन x टू दी पावर ए सी. अभी डिवाइड को जैसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो x टू दी पावर ए सी अपॉन x टू दी पावर बी सी, ये गया ये गया ये गया ये गया, वन बचा वन बचा, इट इज इक्वल टू वन, प्रूफ. ठीक है, नोट कर. ऑलराइट पीपल, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6. देखिए यहाँ पे 6 है, 7, 8 है, तीन क्वेश्चन हैं. ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं हम इनको बोलते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस. ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं. 3 टू द पावर x माइनस 2 प्लस 3 टू द पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 246. ठीक है, अब कहाँ गया भाई, हाँ इधर है, x टू द पावर n माइनस m को आप क्या लिखते हैं, x टू द पावर n अपॉन x टू द पावर
एम। तो 3 to the power x minus 2 को आप क्या लिखेंगे, 3 to the power x upon 3 to the power 2 प्लस 3 to the power x plus 2 को क्या लिखोगे, 3 to the power x multiplied 3 to the power 2 इज इक्वल टू 246। आसान है। अब दोनों में से बाई वन कर देंगे इसको, तो दोनों में से 3 to the power x सेम है तो कॉमन निकाल लेते हैं। तो 3 to the power x जैसे आपने कॉमन निकाला, यहाँ पे बचा 1 upon 3 square मतलब 9, यहाँ पे बचा 3 square मतलब 9 upon 1, इट इज इक्वल टू 246। 3 to the power x दोनों का एलसीएम 9, यहाँ पे 9 into 9 81, 1 plus 2 1 1, तो 81 plus 1 इज वॉट 82। थोड़ा अच्छे से लिख दें इसको, 3 to the power x into 82 upon 9 इज इक्वल टू 246। आपको पता है 246 इससे 82 से 3 टाइम्स में जाता है, तो 3 to the power x इज, थोड़ा टेबल्स याद करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो 3 to the power x upon 9 इज इक्वल टू 3 है, ये 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 to the power x और इज इक्वल टू 9 into 3 27, 27 क्या होता है, 3 का पावर 3 होता है। सो देयर फॉर व्हाट यू कैन से x इज इक्वल टू 3। बच्चों बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होने चाहिए, तो x इज इक्वल टू 3 आएगा। सिंपल टू अंडरस्टैंड, क्लियर होगा आपको। अब ये देखिए 2 to the power x plus 2 to the power x plus 2 to the power x है ना, कितनी बार है 2 to the power x, 3 बार है, तो इसको लिखते हैं 3 multiplied 2 to the power x। अरे अगर कोई भी चीज़ 3 बार तो 3 टाइम्स उसको कट सकता है ना, इट इज इक्वल टू 192। ये 3 नीचे गया तो 2 to the power x इज इक्वल टू 192 upon 3, 3 6 is 18 एंड 3 4 is 12, तो 2 to the power x इज इक्वल टू 64, 64 क्या होता है 2 का पावर 6, तो x इज इक्वल टू 6। क्लियर, उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपकी। ठीक है, स्पेस बचा लेते हैं। आइए इसके बाद ये वाला जो सम है, रूट टू का मतलब, चलो रूट टू यहाँ भी है, रूट टू या रूट टू को चेंज ही नहीं करते, सीधा 3 into 5 by 2, तो क्या होगा, रूट टू का पावर 3 into 5 by 2, इट इज इक्वल टू रूट टू का पावर 2a plus 1, तो ये हो गया रूट टू का पावर 15 upon 2 इज इक्वल टू रूट टू का पावर 2a plus 1। बच्चों बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होने चाहिए, therefore what you can say 15 by 2 is equal to 2a plus 1, 2a plus 1 by 1 कुछ नहीं है तो cross multiply करो, तो 15 is equal to 2 into 2a plus 1, तो 15 is equal to 2 to the 4 4a plus 2, shift करो उधर तो क्या हो जाएगा, 15 minus 2 is equal to 4a, तो sorry 15 minus 2 बराबर, तो 13 is equal to 4a, सो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 13 upon 4। बात में दम है, नोट करें। ऑलराइट पीपल, फाइनली एक्सपेरिमेंट पावर के लास्ट 2 questions बचे हुए हैं, आपके कंसेप्ट को क्लियर कर लें। ऐसे ऐसे तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं बट इतने से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 64 to the power -1/6। आप सब जानते हैं, अच्छा पहले एक बात समझिए, ये 512 है, इसको कैसे करेंगे। देखिए 512 आपको याद तो होगा, लेकिन अगर नहीं भी याद है, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, चुपचाप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 से डिवाइड करो इसको, 2 2s are 4 5 6, 2 1 2 8, 2 6 4, 2 32 2 16, 2 8 2 4 2 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, मतलब ये बेसिकली 2 to the power 9 है। 2 to the power 9 इसको क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 3 into 3 लिख सकते हैं, तो इस 2 to the power 3 का 8 to the power 3, मतलब बेसिकली 8 का क्यूब हो गया, है ना। इस तरीके से भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं, अगर आपने, अगर आपको टेबल्स अच्छे से याद नहीं है तो। ठीक है, तो थोड़ा इसको एलैबोरेट करते हैं, और एलैबोरेट करके 512 को क्या लिख देते हैं, 8 का क्यूब होल टू द पावर -1/3। और मैंने 3 के फॉर्म पे ही क्यों लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर जितना होगा उसी एक ऐसा नंबर चूज़ करेंगे जिसका पावर उतना ही होने पे वो नंबर आ जाए। अब ये 16 है, कितने का पावर, 2 का पावर 4 होगा,
तो ये 1/4, फिर इंटू 9 का पावर माइनस हाफ है 3 का पावर 2 होल टू द पावर 1/2। 64 कितने का पावर 6 होता है, 2 का पावर 6। आप सब अगर यहाँ से देखें तो 2 का पावर 6 64 हो जाता है, तो 2 का पावर 6 होल टू द पावर माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 216, 6 का क्यूब होता है सबको पता है, होल टू द पावर माइनस 1/3 मल्टीप्लाइड 81 क्या होता है, 3 टू द पावर 4 इज 81 टू द पावर 1/4। अब आप सबको पता है बच्चों कि ये मल्टीप्लाई होंगे, है ना, तो 6 को 6 से उड़ाएंगे, 3 को 3 से उड़ाएंगे, 4 को 4 से उड़ाएगा, 3 इंटू 1/3 कट गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे हुआ 2 टू द पावर माइनस 1 मल्टीप्लाइड 6 टू द पावर माइनस 1 मल्टीप्लाइड 3 टू द पावर 1। यहाँ पे क्या हुआ, 8 टू द पावर माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर, ये माइनस था ना, तो माइनस 1। अब एक काम करते हैं, जिसका भी पावर नेगेटिव है उसको, अगर ऊपर वाला का पावर नेगेटिव है उसको नीचे भेजते हैं, नीचे वाले का पावर नेगेटिव है तो उसको ऊपर भेजते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर पावर नेगेटिव हो तो रेसिप्रोकल हो जाता है, बराबर। तो अगर ये 2 टू द पावर माइनस 1 है, सबसे पहली बात, जो पॉजिटिव है उसको छोड़ दो, यहाँ पे नेगेटिव ये दो लोग हैं, तो 8 इंटू 3 ऊपर करो, पहले से एक 3 था, है ना, 2 को छोड़ दो यहाँ पे, ये 2 इंटू 6 निकला और पहले से एक 2 था, बराबर। 3 2 ज़ा 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 गया, आंसर आया 3। बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में बच्चों जल्दीबाजी में, तो अगर गलत होगा तो गुस्सा मत होइएगा, मैं भी इंसान हूँ, है ना। आइए देखते हैं, अभी इसके बाद ये देखिए, फोर्थ रूट ऑफ 1/x, तो 1/x का पावर 1/4 होल टू द पावर कितना है, -12 होल टू द पावर कितना है, -2/3। तो ये 1/x लिया, 1/4 इंटू माइनस का 12 होल टू द पावर -2/3, 4 3 जा 12, तो ये x का पावर हो जाएगा, सॉरी 1/x का पावर -3 है होल टू द पावर, तो ये -2/3, 3 3 बताया, माइनस माइनस प्लस हुआ, तो 1/x का पावर क्या हो गया, 2, यानी कि ये हुआ 1 का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन x स्क्वायर इज द आंसर। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है, थैंक यू।